नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो एक तो TGT की जो कट ऑफ है वो मैं आज रिवाइज करने वाला हूँ, प्लस में आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो कुछ साथियों की डिमांड थी या उनका ऐसा मानना था कि सर आप एक TGT के ऊपर वीडियो बनाएं, प्लस में रिजल्ट है। बार बार वो ये कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथियों, कुछ साथी देखो हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। कुछ साथी ये भी कहते हैं कि व्यू के लिए सर वीडियो बनाते हैं। तो पहली बात तो व्यू के लिए चलो एक एस्पेक्ट से हम माने, एक एस्पेक्ट अगर ले लें कि चलो व्यू के लिए बनाते हैं, तो भाई हर कोई वीडियो व्यू के लिए बनाता है, लेकिन मेरे वाले रोल में ऐसा नहीं है। मेरा 50% समय है वो पढ़ने में ही बीतता है। आप देखते हो कि नेट की क्लासेस भी दे रहे हैं, साइकोलॉजी की क्लास भी दे रहे हैं, प्लस मैं इंग्लिश का लिटरेचर भी पढ़ा रहा हूँ। एक ही बंदा तीन काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी कुछ ना कुछ स्टडी करना पड़ता है। और ऐसा मैटर जो आपको देता हूँ वो मैटर आपके एग्ज़ाम से कंसर्न होता है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लेना। तो जैसा आप कहते हो, मैं तो आपकी सब बातें स्वीकार करता हूँ। नेगेटिव कहते हो तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव कहते हो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है साथियों, तो हम अपने विषय की ओर चलते हैं। लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो आज हमारा पॉइंट रहेगा कि 7441 पोस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में HPSC का रिजल्ट आया है, HPSC की स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया है, तो मैं भी उसमें शामिल था। आप ये भी देखते हो, देखो एक वीडियो बनाना अलग बात है और आपसे जुड़े रहना एक बात है। मैं आपके साथ एस्पिरेंट भी हूँ। अब नेट दिसंबर हो रहा है तो मैं दे रहा हूँ, इसके अलावा एस्टेट होंगे तो वो भी मैं दूंगा। HPSC का एग्ज़ाम मैंने भी दिया, लेकिन मेरे करीबन यहाँ 48 क्वेश्चन ठीक थे, वैसे 58 थे, लेकिन बाकी गलत होने की वजह से 10 नंबर मेरे कम हो गए, तो 48 बढ़े। आप देख सकते हो पेपर मैंने किया हुआ, सॉल्व किया हुआ करा रखा है। तो आपसे हर समय मैं जुड़ा रहूँगा, जब भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात होगी तो हम आपस में जुड़े रहेंगे, इसलिए ये चैनल आपके लिए मायने रखता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर करीबन 73 पोस्टें हैं, यानी कि 73% इसमें सेलेक्ट होंगे। टीचर वही सिलेक्ट होंगे जो यहाँ है, ये ध्यान रखना, ये क्रीम है। इसके अलावा जो लो मेरिट में 50 या 60 हुए हैं वो भी इसी में है, प्लस में मेवात की भी 50-60 व्यक्तियों की और लो मेरिट की आने वाली है। यानी कि करीबन ये मेवात कैडर के जो आने वाली है, अभी लो मेरिट लगने वाली है, इससे पहले 50-60 की लग चुकी है, 73 ये साथी हैं, करीबन 150-200 साथी हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। मैं मानता हूँ, देखो हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। अगर मेरे 48 क्वेश्चन ठीक है और किसी के 60 क्वेश्चन ठीक है, तो वो मेरे से कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज, चाहे जनरल नॉलेज कह लो, एप्टीट्यूड कह लो, या अपना सब्जेक्ट पे कमांड कह लो, उसकी ज़्यादा है। तो वो साथी तो क्रीम है, वो TGT हो, PGT हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है कुछ ही दिनों में। मैं आपको नेट दिसंबर की बार बार जानकारी देता हूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, प्लस में हो सकता है हरियाणा PGT कैडर की भी वैकेंसी आए। तो आप, इसलिए मैं कहता हूं आप नेट के तैयारी करते हो तो जुड़े रहोगे आप। PGT लेवल की जो मेवा हरियाणा कैडर की वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, इसलिए अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए आपको, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ से 150-200 क्रीमी बच्चे हैं वो यहाँ चले जाएंगे, जिससे मेरिट पे फर्क आपको मिलेगा। ये सभी कैटेगरी में है, चाहे जर्नल है, BCA, BA, सभी के अंदर ऐसा होगा। तो हम मेन मुद्दा है हमारी 7441 शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं 630 जर्नल की है, 244 BCA, B की 141, SC की 315 और EWS की 175। यहाँ अगर माने तो 3 गुना साथियों को बुलाया गया है हर कैटेगरी में से, ऐसा हम मानते हैं। हो सकता है किसी कैटेगरी में कम भी हो और हो सकता है किसी कैटेगरी में ज़्यादा भी हो, यानी कि 5571 मान लेते हैं, 5500-5600 कैंडिडेट है वो DV के लिए बुलाए गए हैं। हर जर्नल में करें तो 2300-2400 कैंडिडेट हैं, BCA में 892, बी में 612 और EWS में, ये EWS नहीं, SC में 1000 या 1100, 1150 के करीबन हमारे कैंडिडेट बनते हैं। और
ये बन गए हमारे 3 गुना किसके, EWS के, यानी कि टोटल हमारे 5571 कैंडिडेट हैं वो DV के लिए बुलाए गए हैं। तो 7741 पोस्टें हैं टोटल। वैसे इंग्लिश की अगर करें तो 1751 ही हमें पता है, और 1751 के लिए 5571 कैंडिडेट का DV हुआ है। तो यहाँ अब मेरिट का आधार मान लेते हैं। ये थोड़ी जानकारी प्रीवियस नॉलेज है आपकी अपडेट की है, ताकि कोई नया साथी जुड़ रहा है तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ले, वो थोड़ा हमसे जुड़ जाए। और आप अच्छी तरह पढ़ते हो कि थोड़ा प्रीवियस नॉलेज से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको समझने में नई चीज़ वो आसान भी हो जाती है। तो सबसे पहले मानते हैं, मैं मानता हूँ कि किसी के 65 क्वेश्चन ठीक हो गए, यानी कि वैसे तो 67-68 है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन 65 ठीक है, और 65 क्वेश्चन ठीक है, 0.95 से हमें उसको गुणा करना है, तो हमारे कितने आ जाएंगे, 61.75। यानी कि इतने नंबर है, 61 या 62 नंबर है, वो साथी अभी भी किसके अंदर है, सिलेक्शन जोन के अंदर है। तो है कैसे ये मानते हैं कि अगर हम मान लें कि 65 क्वेश्चन किसी के ठीक थे और इसमें से 5 कम करके HSC ने बुलाया है, HSC ने माना है कि हम जो मेरिट है, मान लिया कि 65 क्वेश्चन वाले बच्चे हैं, तो हमने मान लिया कि उसके नीचे वाले हमने बुलाए हैं, और इसके ऊपर वाले तो उसमें हैं, लेकिन हमने 5 कम करके बुलाए हैं, यानी कि 56, 57, 58, 59, 60, 60 के आगे 61 भी आ जाता है, 62 भी आ जाता है, 63 भी आ जाता है, 64 भी आ जाता है, उसके बाद 65 का नंबर आता है, यानी कि यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ तक आप देखो, तो 5 कम करके बुलाए गए हैं, तो 60 से नीचे जिनके, अब थोड़े हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ही ले लेते हैं कि 60 से नीचे 65 क्वेश्चन है, ज़्यादा ठीक है बच्चों के, तो 5 कम करके बुला लिए जिनके कम है, यानी कि यहाँ 56 वाला भी है, 57 वाला है, 58 वाला, 60, 60, 61, 62, 63 तक क्वेश्चन वाले बच्चे हैं। तो एक बात तो श्योर है कि जिसके 65 क्वेश्चन ठीक है और जिसके इतने मार्क्स बनते हैं, ये हमेशा ही होता है कि 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सिलेक्शन अपना मान सकते हो। जैसे हम 150 में से 90 नंबर एस्टेट में लेते हैं तो लगभग वो क्वालिफाई कर लेता है। तो यहाँ भी वही मैटर है कि जिसके 65 क्वेश्चन ठीक है और इतने क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन और इतने मार्क्स, मार्क्स कितने बन गए, 62, यानी कि 62-63 जिसके मार्क्स बन रहे हैं या 65 क्वेश्चन ठीक है, वो व्यक्ति का सिलेक्शन तो 100% होने वाला है। उससे नीचे है उन पे आपको पता है सभी डिलेमा में है, दे आर इन ए ग्रेट डिलेमा, दे आर इन ए कंडीशन ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन, और सभी पूछते हैं कि सर मेरे 62-63 ठीक है, मेरे 60 ठीक है, 58 ठीक है, क्या हो जाएगा। अब साथियों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 5 नंबर कम करके HSC ने बुलाया है, 5 नंबर अगर 65 क्वेश्चन ठीक मानते हैं तो उसने 5 कम कर दिए, यानी कि 60-58 वाले सभी बुला रखे हैं, तो इन नंबरों पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे। तो जिस साथी के 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है और 61-62 जिसके मन रहे हैं, तो वो साथी सिलेक्शन के जोन में अपने को मान सकता है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे नहीं होगा, हो सकता है मेरिट है वो थोड़ी नीचे भी आए। इसके अलावा अगर SC की माने तो हम 57 मान लेते हैं कि 60 क्वेश्चन अगर किसी के ठीक है तो वो अपने आप को सिलेक्टेड मान सकता है। यहाँ 65 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, यहाँ 5 क्वेश्चन हमने कम कर दिए और 0.95 से गुणा करते हैं तो 57 मार्क्स बन गए, यानी कि 57 नंबर वाला यहाँ क्या है, सेफ है। तो यहाँ 60 से नीचे जो है 58, 57, 53 तक मानते हैं कि इनकी जो कट ऑफ है वो गई है, 53 या इससे नीचे भी हो सकता है। आइडिया देखो, सारी बातें याद नहीं रहती, हो सकता है कि 47 भी कुछ साथी कह दें, 50 कह दें, 52 कह दें, तो हो सकता है यहाँ बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे, लेकिन जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 ठीक है वो बहुत कम साथी आपको मिलेंगे और उनका सिलेक्शन है वो 100% होने वाला है। यानी कि 60 क्वेश्चन ठीक है और 57 जिसके मार्क्स बढ़ते हैं तो वो अपने आप को सिलेक्टेड मान सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसमें होगा। इसके अलावा ये दो मुद्दा थे कि सिलेक्शन क्या है, आपको समझा दिया कि HSC ने कैसे माना है और कौन सा सेफ है। यहाँ 65 क्वेश्चन जिसके ठीक है, 65 क्वेश्चन प्लस 60
62 जिसके नंबर बन रहे हैं वो मान के चल लो कि उसका सिलेक्शन है, वो साथियों कोई नहीं रोकने वाला। दूसरी बात है कि किसी साथी के यहाँ 60 क्वेश्चन ठीक है एससी में और उसके मार्क्स कितने बन रहे हैं 57। कई बार मार्क्स का नहीं बताया तो उन वीडियोस में थोड़ी कन्फ्यूजन थी तो वो थोड़ी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। यानी कि 57 नंबर बनते हैं, 60 क्वेश्चन ठीक है, उसका 100% सिलेक्शन मान के चलो। इसी तरह एक दो नंबर इनमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं EWS की, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो EWS का पूछते हैं। तो जैसे कि पिछले दिनों से ग्रुप बना हुआ है या कोई चीज़ हम देखते हैं तो EWS के है वो साथी कम ही है, तो उनका या तो ये जो 65 क्वेश्चन है उसमें से 62 या 61 क्वेश्चन पे जिनके राइट हैं तो उनका सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मिलेगा तभी जब कैंडिडेट यहाँ भी कम है, तो बता रहे हैं कि कम कैंडिडेट है, कम कैंडिडेट में मेरिट है वो आपकी डाउन चली जाएगी। यानी कि 62-61 पे आपको 100% है वो जिसके क्वेश्चन ठीक है उसका सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा मैंने हाई इसलिए लिया है क्योंकि अब जल्द ही आपका रिजल्ट है वो आने वाला है। वैसे तो आपका रिजल्ट तैयार है लेकिन कुछ अड़चने हैं उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने जिक्र कर लिया जर्नल का, यहाँ एससी का जिक्र कर लिया और यहाँ हमने EWS का जिक्र कर लिया। तो इस प्रकार आपको सिलेक्शन है वो देखने को मिलने वाली है। फिर है इसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं कि इस प्रकार आपके यहाँ कहीं अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप अपने आप को सिलेक्टेड माने, सेफ माने, धैर्य रखें। बस आपको पेशेंस रखना है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि जो नीचे वाले हैं वो ठमे, उनको रुकना नहीं है। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है जिसके अंदर आपका नेट देखा जाता है और 2023 का नेट है वो आने वाला है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें और जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे तो PGT हरियाणा, रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर की जो पोस्टें आएगी उसमें भी आप एलिजिबल हो जाओगे। प्लस में आपकी तैयारी है वो पहले भी हो जाएगी। उसके बाद रिट भी आगे आएगा, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। अभी मेरे साथ वाले 2-4 मित्र थे, उनका रिट में जो हिंदी के लेक्चरर थे लेकिन इंग्लिश में उनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है रिट के अंदर अभी जो रिजल्ट आया है। तो देखो मेरे साथ वाले भी कई लगे हैं, मैंने रिट की तरफ अपना समय रहते मुख नहीं मोड़ा तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं देखने को मिला और उनका हो गया। तो अच्छी बात है, आप अपने आप को प्रिपेयर रखो, कोई ना कहीं तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और जो पढ़ते हैं उन्हें निराश होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। देखो कहीं ना कहीं आप लाई करते हो, अगर मेहनत आपकी कंटिन्यू रहेगी तो आप अपना मुकाम है वो हासिल कर लोगे। टाइम लग सकता है, सूनर बट लेटर यू विल गेट योर टारगेट ऑब्जेक्टिव और एम, आपको वो मिल जाएगा। तो साथियों इसके अलावा ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं रिजल्ट की, तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। रिजल्ट की बात करते हैं, यहीं मैंने ये चीज़ें आपको फैक्ट समझाई, ये फैक्ट है, इससे मुकर नहीं सकता कोई कि ऐसा HSC ने नहीं किया या ये नहीं होगा, तो ये बातें होने वाली हैं। तो 19 अक्टूबर 2023 जो हियरिंग है हमारी एक्सपीरियंस को लेकर, तो सबसे पहले तो कुछ साथी कह रहे हैं कि हम अभी 10 के बाद या 17 तारीख को पंचकुला में हम एक हड़ताल करते हैं जिससे कि HSC के ऊपर दबाव बनेगा और वो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी निकालेगा रिजल्ट को लेकर। तो वैसे तो आपको 19 तारीख दी हुई है, ठीक है, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डेट मिल जाए, ठीक है, होगा नहीं। मेरा क्या मानना है, मेरे विचार से आपको नेक्स्ट डेट नहीं मिलने वाली है। यहाँ डिस्पोज ऑफ जो वर्ड है, ये केस है, वो खारिज हो सकता है, निरस्त हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि जो कोर्ट है वो पक्ष देखता है कि अगर आधे व्यक्तियों को या
जो गेस्ट टीचर को अगर लाभ मिल रहा है एक्सपीरियंस का, तो इन साथियों को भी उससे हम मना नहीं कर सकते। तो अगर पुख्ता डाटा या कुछ नहीं मिला तो 30% चांस है कि आपको नेक्स्ट डेट देखने को मिलेगी, फिर तो लंबा चला जाएगा प्रोसेस। लेकिन 70% चांस यही है कि ये जो केस है वो हल करेंगे। मैं खारिज करने की नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो हम में से ही वो साथी हैं, कहीं ना कहीं उनका किसी का KVS का है, कि किसी का DSSP का है, किसका NVS का है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। उनका एक्सपीरियंस वैलिड होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो कोर्ट ने मानना है, लेकिन वो हल करें। हम चाहते हैं इसका हल हो, इसका क्या हो सोल्यूशन। तो अगर 19 तारीख को आपका सोल्यूशन हो जाता है, तो मैंने आपको एक डेट बताई थी, आपको अच्छी तरह याद होगी, 12 नवंबर, यानी कि दीपावली। इस डेट से पहले पहले, इससे पहले पहले आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। मैं देखो, मैं अपने आप को, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, कोई मैं एस्ट्रोनेट नहीं हूँ, या कोई मैं मान लो वैज्ञानिक नहीं हूँ कि मैं इन बातों का आइडिया लगाऊँ। फैक्ट है, मैंने आपको पहले भी 12 नवंबर बोला था कि दिवाली से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस तारीख को आपका केस है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, या किसी हल निकाल लेते हैं, उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं, हमारे जज हैं या HSC के चेयरमैन है, कोई हल निकाल लिए इन्होंने। वैसे तो भोपाल सिंह खत्री जी ने कह दिया कि हमने सारा डाटा वो लिखित में पेश कर दिया है, अब कोर्ट के हाथ में, कोर्ट ने फैसला लेना है, तो 19 तारीख को वो लेंगे। तो अगर ये यहाँ बात रुक जाती है, तो दिवाली से पहले पहले, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिवाली से पहले पहले आपको खुशियाँ हैं वो मिल जाएंगी, आपका रिजल्ट है साथियों वो मिल जाएगा। और उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, आपको पता है। तो दिवाली से पहले पहले आपका रिजल्ट मिल जाएगा, प्लस में आपकी रिवाइज आंसर की, रिवाइज आंसर की है जिसमें 7 क्वेश्चन है वो एक्सेप्ट किए हैं। जैसे कि मैं अपने कुछ नहीं कह सकता, चेयरमैन साहब का जैसा बयान था हमारे भोपाल सिंह खत्री का, कि 7 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं, तो 7 क्वेश्चन का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है कि मेरिट है वो लो भी जा सकती है और हाई भी। दूसरी बात, आपको 200 कैंडिडेट में ऐसे गिना रहा हूँ जो HPSC HSC इनमें जाएंगे, तो 200 सीटें हो सकता है कहीं ना कहीं प्रभाव डाले इनके ऊपर, क्योंकि HPSC में भी वही 73 पोस्टें, वही क्रीम जाने वाली है जो यहाँ, जिनके जो कह रहे हैं ना 67 है 68 है, वो HPSC में यहाँ भी है, सारे नेट क्वालिफाई PhD होल्डर है, तो वो यहाँ भी हैं, तो उन्हें तो अपना स्थान मिलना चाहिए, चाहे HPSC में दे दो चाहे HSC में दे दो उन। लेकिन जो नीचे फिर मेरिट में आएंगे उनको इन कैंडिडेट का फायदा ज़रूर होगा, और ये एक अच्छा बात भी है कि HPSC की भी साथ के साथ आप देख रहे हो कितनी फास्ट से सिस्टम चल रहा है, तो उससे लाभ होगा। तो दीपावली से पहले आपका रिजल्ट मैं मानता हूँ 100%, 101% आपका रिजल्ट है वो दीपावली से पहले आ जाएगा, अगर ये केस से डिस्पोज ऑफ हो जाता है। इसके अलावा कुछ साथी कहते हैं CET वालों ने भी किया हुआ है, इस प्रकार तो आप करते ही रहो, चाहे CET का अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस का अलग चीज़ है, जो साथी केसों से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि उसका क्या मामला है और इसका क्या मामला है। तो आपको दीपावली तक आपका रिजल्ट है वो साथियों देखने को मिलने वाला है, और मैंने लगभग हर आपको चीज़ है वो दोबारा क्लियर कर दी है कि दीपावली से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये केस 100% उसका सोल्यूशन कर देंगे, मेरा तो ये मानना है, आप देख लेना। और आज के बाद इसकी कट ऑफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये लास्ट कट ऑफ मैंने बनाई है, क्योंकि इसके बाद आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। फिर HPSC का जो मामला चल रहा है वो तो सब्जेक्टिव पेपर है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो नेट PhD होल्डर हैं तो उनके लिए लिखना, थीसिस वगैरह लिखते हैं, हाइपोथीसिस बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इस पेपर को निकाल देंगे, जो नेट PhD होल्डर है आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा साथियों मैं तो ये कहता हूँ कि होप सस्टेन्स द लाइफ, आपने मुहावरा सुना है कि आशा है तो सब कुछ है, होप सस्टेन्स द लाइफ, आप इच्छा शक्ति बनाए रखो। देखो थोड़ा एजुकेशन में लगना मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ वाले, जैसे कल परसों ही मेरे साथियों का फ़ोन आया था कि मेरा तो भाई साहब रीट में सिलेक्शन हो गया, आपका क्या रहा, तो मैं कोई उससे उदास नहीं हुआ, मैं तो खुश हुआ कि मैं चलो आपका हो गया तो हम किसी और चीज़ के लिए बड़े हैं,
तो वो हमें हासिल हो जाएगी। तो आप मेरे से जुड़े रहे और थोड़ा बहुत शेयर और लाइक भी कर दिया करो। अगर अच्छी बात कहता हूँ तो आप शेयर कर दिया करो, आपको नहीं लगता भी ये ठीक नहीं दे रहा सजेशन वगैरह एडवाइस वगैरह, तो आपकी मर्ज़ी है। थोड़े बहुत वीडियो और आने वाले समय में चाहे नेट का है, टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर है, साइकोलॉजी है, या जितना भी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, वो सारा का सारा मैं कोशिश करूँगा कि एक डेढ़ साल के अंदर आपके नेट पे, आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल हो। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक जिसको रामबाण कहते हैं पेनेशिया साबित तो होगा, और वो आप मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा देखो, लगातार वीडियो इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारा पढ़ना भी मैटर होता है और भी मेरे काम है। तो लेकिन जितनी मैं मदद कर सकता हूँ, बीइंग ह्यूमन आई एम हेल्पिंग यू, जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। तो साथियों, इसी के साथ हम आज की क्लास है वो ओवर करते हैं। टिल देन टेक केयर।